हेलो एवरीवन, माइसेल डॉक्टर वरुण शर्मा एंड यू आर वाचिंग आस्क हेल्थ गुरु। अगर आप रखना चाहते हैं अपने थायराइड ग्लैंड को हेल्दी, या फिर आप परेशान हैं ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड से या फिर अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड से, यानी कि हाइपर थायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उन 5 इजीएस्ट और बेस्ट योगा आसन के बारे में जो आपके थायराइड ग्लैंड को हील करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी बॉडी में 7 चक्र प्रेजेंट है। इन 7 चक्र के अलग अलग फंक्शंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को रिजेंबल करते हैं। इसमें से जो 5th चक्र है उसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। इस चक्र में अगर एनर्जी लो या हाई हो जाए या फिर इसकी एनर्जी इरेगुलर हो जाए तो थायराइड ग्लैंड की बीमारियां होने की संभावना होती है, क्योंकि इसकी लोकेशन एग्जैक्ट थायराइड ग्लैंड के पोजीशन पे होती है। और अगर हमको इस चक्र की एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना है, नॉर्मल करना है, तो इन 5 योगा आसन को आप डेली फॉलो कीजिए, आपको जरूर हेल्प मिलेगी अपने थायराइड ग्लैंड को हील करने में। तो चलिए सबसे पहले आसन की बात कर लेते हैं हम, जिसका नाम है भुजंग आसन, जिसको कोबरा पोज भी हम कहते हैं। इस आसन को करने की विधि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद आपको अपने हैंड्स की पोजीशन, डिप्स जिस तरीके से हम लगाते हैं उस पोजीशन में आपको अपने हैंड्स रखने हैं, और आपको अपनी नेक ऊपर उठानी है, और आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने हिप्स का पोर्शन बिल्कुल भी अप डाउन नहीं करना है। हिप्स का और लेग्स का नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल स्टेबल रहना चाहिए, और ऊपर ट्रंक वाला पोर्शन आपको ऊपर करना है जैसे कि कोबरा करता है। इस वजह से इसको कोबरा पोज भी कहते हैं। ये योगा आपकी बहुत हेल्प करेगा थायराइड ग्लैंड को हील करने में। भुजंग आसन आपको लगभग 5 से 10 बार रिपीट करना है, और कोबरा पोजिशन में आपको लगभग 5 से 10 सेकंड तक मिनिमम रहना है। इससे ज्यादा भी आप रह सकते हैं और उससे ज्यादा भी आप रिपीट कर सकते हैं, बट मिनिमम 5 से 10 सेकंड आपको उस पोजिशन में रहना है और 5 से 10 बार आपको रिपीट करना है। आइए बात कर लेते हैं सेकंड योगासन की, जिसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। इसको करने की विधि बहुत ही सरल है और बहुत ही ईजी है, और इसका इफेक्ट थायराइड ग्लैंड पे बहुत जबरदस्त है, बहुत हेल्पफुल होता है थायराइड ग्लैंड को हील करने में। तो आइए जान लेते हैं इसकी क्या विधि है। आपको ऐसे योगासन की पोजीशन में बैठ जाना है, और आपको सांस जब अंदर लेनी है तो आपको एक साउंड जनरेट करते हुए सांस अंदर लेनी है। कुछ इस प्रकार से साउंड आपको जनरेट करनी है। और आप अपनी सांस अंदर रोक के रखेंगे जब तक आपको लगे कि आप रोक सकते हैं, और उसके बाद जब आपको रिलीज करनी है सांस, आपको सांस बाहर छोड़नी है, तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ेंगे। और अगर आप कोशिश करें तो ओम के उच्चारण के साथ ये सांस छोड़ेंगे तो बहुत लाभदायक होगा। तो ये थी विधि उज्जय प्राणायाम करने की। इसको आप डेली कीजिए और लगभग 10 से 15 बार इसको रिपीट कीजिए। बहुत इफेक्टिव है, बहुत हेल्पफुल होगा आपके थायराइड ग्लैंड को हील करने में। आइए बात कर लेते हैं थर्ड योगासन की, जिसका नाम है उत्सरासन, जिसको कैमल पोज भी हम कहते हैं। ये बहुत इजी है और बहुत ही हेल्पफुल है थायराइड ग्लैंड को हील करने में। इसमें आपको क्या करना है, आपको घुटने के बल ऐसे बैठ जाना है, और आपको पीछे अपनी एड़ी पकड़नी है। ऐसे करके कुछ एड़ी आपको पकड़नी है, और आपको इस पोजिशन में लगभग 10 से 15 सेकेंड रहना है, या फिर जब तक आप इनिशियली जब स्टार्टिंग में आप इसको करें जितना टाइम आप रह सकते हैं उतना रहिए, पर मिनिमम 10 से 15 सेकंड रहने की आप कोशिश करेंगे। ये आसन भी थायराइड ग्लैंड हील करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अब बात कर लेते हैं 4th आसन की, जिसका नाम है सेतुबंध आसन। ये भी बहुत इफेक्टिव है और थायराइड ग्लैंड को हील करने में बहुत हेल्पफुल है। इसको करने की विधि देख लेते हैं। आपको पीठ के बल लेटना है, और आप अपने पेट को ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे। ध्यान रखें आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और पेट आप उठाने के बाद आपको अपने हाथ से आपकी एड़ियां पकड़नी है, और कुछ सेकंड्स तक, लगभग 10 से 15 सेकंड तक इस पोजीशन में आप रहेंगे, तो ये सेतुबंध आसन कहलाता है। ये बहुत हेल्पफुल है और थायराइड ग्लैंड को हील कराने में बहुत मदद करता है। आइए बात कर लेते हैं लास्ट आसन की, जिसका नाम है सर्वांगासन, जिसको शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं। ये आसन बहुत इफेक्टिव है और इसके बहुत जबरदस्त रिजल्ट है थायराइड ग्लैंड को हील करने में, और इसको करना भी बहुत आसान है।
शुरू में थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, तीन चार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजीली आपसे होने लगेगा। इसमें आपको पीठ के बल लेटना है और आपको ध्यान रखना है कि पैर आपके बिल्कुल जुड़े रहे, पैर आपको ऊपर उठाने हैं, और जैसे ही पैर आपके ऊपर उठ जाए आपको अपने हाथों से अपने हिप्स को सपोर्ट करना है और पैर पूरे स्ट्रेट कर लेने हैं। इस पोजीशन में आप रहें लगभग 10 से 15 सेकंड तक, आप ज्यादा भी रह सकते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। 10 से 15 सेकंड रहने पर आप सांस अंदर बाहर करें, लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें और ओम का उच्चारण करें, तो ये आसन बहुत हेल्पफुल होगा थायराइड ग्लैंड को हील करने में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि स्ट्रेस का थायराइड ग्लैंड पे डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए भी एक योगासन आप ऐड कर सकते हैं, तो उस योगासन का नाम है भ्रमरी आसन। तो इस आसन को बहुत इजीली आप फॉलो कर सकते हैं, अब बहुत इजी है भ्रमरी आसन करना, और हो सकता है आप लोगों को सबको आता भी हो भ्रमरी आसन करना, तो प्लीज फॉलो करें इन सारे योगास को जिससे कि आपका थायराइड ग्लैंड रहे हेल्दी। तो इन पांच आसन को आप फॉलो करें, और अगर आप पांच नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तीन आसन तो आप इनमें से जरूर फॉलो करें अगर आपको अपने थायराइड ग्लैंड को हेल्दी रखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई जिसमें हमने बताया आपको कि कौन कौन से योगास हैं जो थायराइड ग्लैंड को हील करने में हेल्प करते हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।